ऋषि के डैड ने मारा ऋषि को धक्का और छीने अपने सारे अधिकार। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ऋषि जो है अपने आप में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि उसे घर जाने में भी शर्म आ रही थी। और इतना ही नहीं, ऋषि जो है ड्रिंक भी कर लेता है। वहीं पर आयुष पहुँच कर उसे समझा बुझा कर घर लेकर आता है, लेकिन ऋषि की मॉम और उसके डैड जो है उसकी हालत पर तरस ना खाते हुए बल्कि उस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ऋषि अपनी गलती की माफी भी मांगता है, लेकिन नीलम ऋषि के डैड जो है ऋषि से अपने सारे अधिकार छीन लेते हैं कि आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। उधर बलविंदर ने जो है चाची के घर में आकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। घर पर आए पंडित के सामने ही उसने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बता दिया। सब देखकर पंडित को बहुत बुरा लगा। पंडित जो है इतना कहकर चले गए कि जब तक आप लक्ष्मी और बलविंदर की शादी नहीं करा देते तब तक मैं आपकी बेटी नेहा की शादी नहीं कराऊंगा। साथ इतना बड़े घर से रिश्ता आने पर नेहा का मन जो है फिसल गया है। वो लक्ष्मी को जो है बलविंदर से शादी करने के लिए कह रही है, क्योंकि अब जब तक लक्ष्मी की शादी नहीं होगी तब तक नेहा की भी शादी नहीं होगी। तो वही रानो भी जो है सोच में पड़ गई है। दरअसल रानो ने क्या खिचड़ी पका रखी है ये अभी तक समझ नहीं आया है। रानो शादी तो लक्ष्मी की कराने वाली थी, लेकिन सामने अपनी बेटी को लेकर आ रही है। तो अब जो है लक्ष्मी को बलविंदर से शादी के लिए हाँ करना ही होगा। अगर लक्ष्मी ना भी करेगी, रानो और नेहा मिलकर फिर भी उससे हाँ करा ही लेगी। तो अभी तक जो है रानो का खेल समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार रानो करना क्या चाहती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।